नमस्कार, पता है आपको? रात को आपके लड़के ने मुझे मेल किया और 11:30 बजे उसने मेल किया पेमेंट होने के बाद कि सर वो कमिटमेंट तो मैं नहीं कर पाऊंगा। वो कमिटमेंट ऐसा है ना सर, 35 का मतलब है कि 35, 34 और 36 में भी खत्म हो जाता है। सर वो तो उसे भेजने से पहले सोचना चाहिए था ना, जब वो आपको भेज रहा था तो या तो इमीडिएट आपकी तरफ से रिप्लाई आना चाहिए था। नो, ऐसा थोड़ी पेमेंट होने के बाद वो रिप्लाई करेगा रात को 11:30 बजे जब सारे लोग सो रहे होंगे, सवेरे में देखूंगा पेमेंट ट्रांसफर हो गया और उसके बाद उसका मेल चेक करूंगा कि भाई ऐसे तो मैं अभी कोई चीज़ मोबाइल परचेज करने जाऊँगा मोबाइल दुकान पर, ठीक है, और उस टाइम वो कह दे सर मैं आपको 5 साल की वारंटी दूंगा और दुनिया में कोई नहीं दे सकता, मैंने परचेज कर लिया, पेमेंट कर दी, अगले दिन फोन करके मुझे बोलता है सर वो तो वारंटी 1 दिन की भी नहीं मिलेगी उसकी। व्हाट इज दिस? बट गुप्ता जी, ये जो टेन्योर पैकेज होता है ना, इसके अंदर जैसे पहले भी जैसे नितिन जी से मेरा ही कोऑर्डिनेशन रहा था लास्ट ईयर भी जब किया था जिसमें 20,000 का हमने दिया था, पर सर देखिए आप मोर देन एवरेज देते हैं बिकॉज टेन्योर पैकेज में हमारे पास भी कमिटमेंट नहीं होता तो हमें भी नहीं पता कि बाहर से कितना फ्लो हमारे पास आ रहा है। बट ऑलमोस्ट उतनी लीड सर को डिलीवर करवाई थी मैंने। मैडम तो उसने तो कमिटमेंट देने से ही मना कर दिया ना, मैं नहीं दे सकता सर। वो अप्रॉक्स लिखकर मैं भी आप कहते हैं मैं आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ। मैम देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, ये सारी चीजें होती है। एक मैंने उसको कल भी दिखाया था, कल जो मेरे पास लिस्ट आई थी मैंने अपनी पूरी रिकॉर्ड निकाल के दिखाया था। जुलाई के महीने में 1900 कुछ लीड आई है, 1900 का मतलब समझते हैं, अगर महीने में 1900 लीड आई है तो डेली की कितनी आई होंगे। जून के महीने में 1750 लीड आई है और मिनिमम जो सबसे घटिया लीड रही है वो 950 की रही है, यानी 35 से तो ऊपर का एवरेज है। और ये एवरेज आप लोगों के पास भी होगा, मेरे पास मेरा रिकॉर्ड है तो आप लोगों के पास ऑब्वियसली बना हुआ होगा। देखिए जनवरी का सबसे लोएस्ट और अभी तक जनवरी 700 से ऊपर है, तो सर मैं आपको वही कह रही हूँ कि वो फ्लक्चुएट होती है। 35 तो 750 बनता है ना सर, मैं तो आपको ये कह रही हूँ मैं इससे ज्यादा भी दे सकती हूँ। 25 डेज तो दे भेजते हैं आप, संडे थोड़ी भेजते हैं, संडे को भी आती है लीड? नहीं, संडे को नहीं आती सर। मैं आप कहें तो मैं आपको रिपोर्ट, 4 या 5 लीड आती है, मतलब उस दिन को तो मैंने काउंट ही नहीं किया। कम होता है आप देखे ना उस चीज को, तो सर मैंने तो उस संडे को तो काउंट भी नहीं किया उससे, मैंने उससे संडे को काउंट भी नहीं किया। मैंने उससे कहा कि ये जो मिनिमम आपकी लीड है, जो मिनिमम मेरे पास आई है वो 750 से अभी है, तो 35 मैंने उससे मांगी। प्रॉब्लम वो नहीं है उसने क्या दी क्या नहीं दी, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो ये है, उसने पहले मेल किया, सारी चीजें ओके कराई, सारी चीजें भर दी, पेमेंट मैंने कर दिया, सारी चीजें हो गई, रात को 11:30 बजे क्यों मेल किया उसने मुझे? सर सीनियर्स, मैम सीनियर्स का आना था तो आधा घंटे तक आ सकता था ना, 7:30 बजे से लेकर 11:30 बजे कौन सा रिप्लाई मेल बनता है आप मुझे बताओ ना, पेमेंट से पहले आना चाहिए था ना जितने रिप्लाई आने हैं, पेमेंट के बाद क्यों रिप्लाई आएगा? तो अगर पेमेंट तक आपने ये भी रिप्लाई कर दिया ना मुझे, पेमेंट तक आपने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि शिक्षा से सुलेखा से मैं 1,500 लीड डेली की दूंगी और मैंने पेमेंट कर दी तो वो कमिटेड है, आप पेमेंट करने के बाद मेरे से ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। तो वो तो आपको और मेरा भी डिस्कशन हुआ था, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लॉजिक हैं डिलीवरी के लिए। सर वो आप लोग देखे ना, वो मेरा कंसर्न, देखिए आपकी कंपनी है, आप लोग अपनी कंपनी का ज्यादा कंसर्न रखेंगे, मैंने जो डिमांड, सुनिए सर आप फोन लेने जा रहे हैं सैमसंग का, वो आपकी नहीं नहीं मैं आप, आपकी वो कंपनी नहीं है, आप सैमसंग का फोन लेने जा रहे हैं, आपने कहा मुझे जी नोट 2 लेना है या नोट 3 लेना है और आपने उसके रेट लगा लिए कि मेरे को मार्केट में मिल रहा है वो 75,000 का सपोज, और आपने कहा मैं 60,000 का ही परचेज करूंगा नोट 3, मैं नहीं परचेज करूंगा इससे ज्यादा का। बंदा आपको नोट 2 दे दे, कहिए नोट 3 है सर 60,000 का दे दूंगा आपको, इज इट ए वैलिड सर, इज इट वैलिड थिंग? फिर गुप्ता जी आप आपने यही करा मेरे साथ, मैंने बात करी एमपीएम पैकेज की, आपने मुझे कल मुझे पता लगा, कल आशीष जी ने मुझसे कहा सर जो आपका पहले तो हमारी सारी बात हो रही थी, जो हमारा पहले आपने कंटिन्यूअसली कहा था जो आपने पहले परचेज किया था वो पैकेज अब आपको डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है, यही सारी वर्डिंग्स थी, जो आपने पहले परचेज किया था वो आपको डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है। मेरा पहले मेरा पैकेज था एमपीएम पैकेज, जो सबसे हाईएस्ट पैकेज है आपका। कल उसने मुझे बोला सर वो पैकेज आप नहीं ले रहे हो, जब वो सवेरे मेरे पास आया, ये बात इससे पहले उसने कभी भी नहीं बोली। ठीक है, सेल्स करने का मतलब ये नहीं होता कि बस सेल करनी है, चीजों को मैनिपुलेट करना है, मैनिपुलेट करना सेल्स नहीं होती है। एमपीएम जब मैंने उसको देखा कि मेरा पिछली बार का कौन सा पैकेज था, मुझे यही पैकेज लिख के दे, उसने कहा सर वो थोड़ी मिलेगा आपको। एक्चुअली दो जगह कंफ्यूजन है, जब सर कंफ्यूजन क्रिएट कैसे हुई, वो ऐसे हुई कि आपसे पहले डीलिंग हुई थी सर से, उनसे भी उसी पैकेज के लिए बात हुई थी, पैकेज के नाम के तो कहीं भी डिस्क्रिप्शन ही नहीं आया है। मैं कह रहा हूँ सारी बात ओके हो गई आपकी, आपने मुझे शुरू से लेकर एंड तक नहीं बताया कि 60,000 रुपए वाला जो हमारा पैकेज है वो सिल्वर पैकेज है। क्यों भाई क्यों नहीं बताया आपने? और आपने मेरे से ये कैसे कह दिया
कि सर जो पैकेज आपने लिया हुआ था वही पैकेज अब आपको डिस्काउंटेड रेट में हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपकी वो लीड्स ट्रांसफर नहीं हो पाई है या आपको प्रॉब्लम हो पाई है। वो तो मेरे पास सीसीटीवी है, पूरी रिकॉर्डिंग है वॉइस की भी, मैं निकाल के दे दूंगा आपको। किसने कहा? आप ही थे, बात कर रहा था, पूरी बॉडी आ जाएगी। हाँ जब डील हुई सर, सुलेखा के बंदे ने करा, मैं नहीं जानता, वो मैनेजर है, वो ब्रांच मैनेजर है, वो हेड है, वो ओनर ऑफ सुलेखा। लास्ट की दो मीटिंग में नहीं था आपके साथ, उससे पहले पूरी मीटिंग में सर मेरे से यही बात हुई है, जो मेरे बात आपको मैंने बताई है, मेरे से यही बात हुई है कि अभी क्या सारी, वो तो मुझे कल उसने बताया कि सर वो वाला पैकेज थोड़ी है ये आपका। जब वो पेमेंट मेरे से ले रहा था, मैंने कार्ड निकाल लिया, पेमेंट कर दी, मैंने उसने कहा सर पुराना वाला एक बार खोल लो आपका क्या भरा हुआ है, मैंने वो खोला, उस पर लिखा हुआ था पैकेज नेम MPM। कह रहा सर ये वाला पैकेज हम आपको नहीं दे रहे हैं। मैं फिर क्या दे रहे हो? कि सर वो तो हम छोटा वाला पैकेज दे रहे हैं आपको। मैं वो क्या है भाई? कि सर उसके अंदर आपको लीड की कमिटमेंट नहीं करेंगे हम, इसके अंदर आपको 50 लीड की कमिटमेंट थी। MPM में भी अप्रॉक्स हां लिखा था, वैसे कमिटमेंट उसमें भी नहीं थी आपकी लीड का। वैसे तो वो सब बात तो मैंने क्लियर की थी आपको कि वो 50 जो आपको बताई हैं या गई हैं। सर कल दोबारा से यही बात हुई है, कल उसमें आपको कमिटमेंट हुई थी, ठीक है, और इसमें हम आपको कमिटमेंट नहीं कर रहे। मैंने कहा ठीक है सर, आई एम सॉरी, मैंने आपका टाइम वेस्ट किया, आप मैं आपका पैकेज नहीं ले सकता। वो उठे और चले गए, सिंपल, बहुत सिंपल वर्ड में बात हुई, मैं नहीं दूंगा पैकेज और कोई बहस की बात नहीं है इसमें, चलेगा। थोड़ी देर बाद वो फिर दोबारा आए, आधा एक घंटे बाद, कि सर मैं अप्रूवल ले आया हूँ, आपको मैं कमिटमेंट कर दूंगा लीड्स का। बहुत अच्छी बात है भाई, कर दो, ले लो, लो पैसे ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी कर रहे हो? कि सर मैं कर पाऊंगा 25 to 30। मैं कह रही यार नहीं चाहिए। कि सर आपको कितना चाहिए? मैं मिनिमम 30 तो चाहिए यार, मिनिमम 30 या 35 लीड्स मिनिमम आनी चाहिए। जो पैकेज मुझे जो भी मैं प्राइस दे रहा हूँ उस प्राइस में, मैंने पिछली बार जब आपसे 35 लीड दिए हैं, 50 लीड दिए हैं, तो मेरा कन्वर्जन नहीं हुआ। अब आप मुझे उससे भी कम लीड दे दोगे तो मेरा तो पैसा पूरा वेस्ट है, मैं तो एक तरह से वेस्ट ही दे रहा हूँ। आपका इंटरेस्ट हो आप दो, नहीं आपको पड़ता आ रहा मत दो, कोई जबरदस्ती तो कर नहीं रहा मैं आपसे, नहीं मुझे इतने रुपये में यही पैकेज चाहिए चाहिए, आप दुकान वाले से कोई जबरदस्ती तो करेंगे नहीं, मुझे उसको पड़ता आएगा वो देगा, नहीं आएगा नहीं देगा। पर गुप्ता जी ये भी है ना कि आपका फर्स्ट टाइम तो डीलिंग हो नहीं रही है, लास्ट 4 ईयर से मैं ही मैडम, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि लास्ट 4 ईयर से मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। सुलेखा के लिए मुझे पता किस हुआ था, स्टार्टिंग में कन्वर्जन हुआ था मेरे नितिन जी से, क्योंकि मैं ही नितिन जी से डे वन से स्टार्ट, डे वन में भी मैंने इंट्रोड्यूस कंपनी में मैंने ही करा नितिन जी को, ठीक है मैडम, स्टार्टिंग में हुआ था। लास्ट ईयर जो मेरी रितु से बात हुई थी, जो ये जो अभी आपका एक्सपायर हुआ उसमें थोड़ा सा हाँ कमी पेशी थी, कुछ इंक्वायरी, बट लीड फ्लो मेरे यहाँ से गया है मैडम। लीड फ्लो आप समझिए ना, सुलेखा के पास लीड फ्लो तो है, लेकिन लीड फ्लो किस चीज का क्या है वो भी तो मैटर करता है ना। आप मेरे आप सोचिए, आपका जो भी लीड फ्लो है हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, मैं उस पर भी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी लीड आई हमारी तो उस पर बात थी भी, जो कमिटमेंट की बात है कि हम मुझे पता है कि अगर मेरे पास आपके पास मिनिमम 35 लीड आएगी तब मैं कहीं जाके एक महीने में एक एडमिशन शायद कर पाऊँ, अगर वो भी नहीं आएंगी तो मैडम जो आप बोल रहे हैं वो आप मुझे लिख के दे, तो वही तो मैंने उससे कहा सर, तो भी नहीं दे पाए ना, बस वो हमारे यहाँ पर सॉफ्टवेयर में कोई थ्रेशोल्ड नहीं लग पाएगा ना सर। मैडम देखिए सीधी सी बात है, अच्छा, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात थी और बहुत सिंपल सी बात है, जो उन्होंने मेल किया था नहीं दे पाना था, मैं आज डिस्कशन कर रहा हूँ ना, नहीं दे पाना, हम नहीं दे सकते, आप उसी टाइम रिवर्ट मेल करते, आधा घंटे के अंदर कर देते। ज्यादा भी दे रही हूँ मैं, तो उससे ज्यादा भी दे रही हूँ मैं, आप अच्छी बातें दे रही है मैम, मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मिनिमम क्राइटेरिया तो लूंगा। अच्छा आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, जैसे आपको मैं कैसे बताऊं, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, आप कोई कपड़ा परचेज करके लाए, अगले दिन वो फट गया, क्या करोगे आप? वो कहेगा मैम मैंने तो गारंटी, अगर ये एक साल चल जाता तो भी तो यही होता, तो उससे क्या कंसर्न है? उससे तो कोई कंसर्न नहीं है ना मैम, एक साल चल जाता, 10 साल चल जाता, बट वो चला नहीं। सारा देखा है जो मैंने लीड रेंट, ऐसा नहीं, आपको बहुत इससे पहले मेरा काफी कंपनी में ये एक्सपीरियंस रहे हैं मैम कि लीड अगर नहीं आती तो कंपनी कहती है सर लिखा हुआ कहाँ था, लिख के दिया था आपको ये देंगे। मैडम सुनिए मैं रिटर्न पे बात करता हूँ, सारी चीजें मेरी रिटर्न पे होती है, मैंने माउथ शर्ट से भी बात की थी। एक आपका फिक्स शोरूम है जहाँ से आपको पता है कि मैं हमेशा ब्लाइंड फेथ है कि आप वहां से चीज लेते ही लेते हो, आपको पता है वहाँ की चीज अच्छी आएगी आएगी, वहां से अगर आप लोएस्ट भी चीज दे रहे हो आपको पता है कि मेरे को यहाँ चीज अच्छी मिलेगी, और अगर वही चीज पड़ गई और बंदे ने रिप्लेस करने से मना कर दिया तब मैं क्या करूंगा? मैं क्यों खराब करूं उसकी चीजें? मैं अपने रिलेशन क्यों खराब करूं शोरूम से? मैं अपने रिलेशन क्यों तैयारी करूं खराब करने के लिए? प्रिपेयर हो जाऊं कि खराब हो जाए उससे रिलेशन? मैं आपको वही कह रही हूं कि आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? मैडम मेरे साथ नेगेटिव हो चुका है सर, मेरी कंपनी के साथ आप लीड्स के लिए मेरी मैडम पिछली बार तो रिटर्न था ना मेरे पास 50 का, वो भी नहीं पहुंची, चलो कोई बात नहीं, अब तो मैं 35 ले रहा हूं तो हमेशा 35 से नीचे ही पहुंचेंगे, मुझे पता है।
सर देखिए आप मुझे कह दो मिनिमम, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आप मुझे कह दो मिनिमम 50-35 आएंगी, जब आपको आपको 100% है आएंगी तो हाँ, भेज दो ना खत्म कहानी। पर सर आप देखो ना मैंने सुनिए तो सही तो ठीक है ना आप उसमें कह दो वन और टू हम टोटल में अकाउंट कर लेंगे, हम इस एवरेज को मंथ के टोटल से काउंट कर लेंगे, डेली से काउंट नहीं करेंगे। आप वहां कर लो बाप, ऐसा थोड़ी पूरे मंथ में पूरे 6-12 महीने तक लीडें नहीं आएंगी 35 के एवरेज में। आप जब तक वो लीडें पूरी नहीं होंगी तब तक मेरा पैकेज एक्सटेंड करोगे, कर लो आप ऐसे। वैसे भी हम आपको 14 मंथ का तो मैंने प्रॉपर मेंशन कर ही दिया मैम, जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक आप एक्सटेंड करोगे ये लिख दो उसमें अप्रोक्स लिख के। चलो आप ऐसा कर लो, ऐसा थोड़ी है कि 14 महीने के बाद 15 महीने में लीड आना बंद हो जाएंगी सर, जीरो हो जाएंगी लीड, ऐसा थोड़ी है। हाँ तो आप लिख के ये लिख के भेज दो, हम अपनी कंपनी को प्रमोट करें उल्टा लीड फ्लो बढ़ेगा। मैडम कंसर्न ही नहीं है अभी, अभी इस पॉइंट पे बात है। आप ऐसा लिख के मुझे भेज दो कि सर जब तक हम 35 की कमिटमेंट पूरी नहीं करेंगे, अगर फर्स्ट डे में हमारी 35 नहीं आई 20 आई तो हम ये 35 आपका जब पैकेज खत्म हो जाएगा उसके बाद यूज करेंगे उसे, आपको एक्सटेंड करेंगे उस चीज को। ऐसा कर दो आप भाई, आपको ऐसा लगता है मैं तो आपको हर तरह का फ्लेक्सिबल हूँ। एक नहीं कर सकते, वो प्रॉब्लम वो है ना, वो लाइन ऐसी है कि मिनिमम हम अब ये एक बोलेंगे हमें पता है हम एक तो दे देंगे, हम एक लिख दें मिनिमम ये नहीं हो पाएगा ना, 10 लिख दें नहीं हो पाएगा, जितना हमारा सॉफ्टवेयर खत्म वो कर। आप सोचो आप लिखने को तैयार नहीं हो और मैं आपकी बातें सारी एग्री कर जाऊं, कैसे कर जाऊं सर्विस इंडस्ट्री भाई, कंपनी आपकी चीज अपनी चीजें खुद ट्रस्ट नहीं कर रही, इतनी बड़ी कंपनी जो टीवी में ऐड दे रही है वो ये कमिट नहीं कर रही कि मैं आपको इतनी लीड दे पाऊंगी, और मैं ये एक्सेप्ट कर लूं कि आप मुझे कोई भी लीड दे दो मैं आपको ये पेमेंट करने को तैयार हूँ, आपको लगता है बिजनेस जो जो आपने प्रॉपर मेंशन करेंगे सारी चीज वही देंगे ना। तो मैंने तो आपको और अच्छा दे दिया, आप उसमें लिख दो ना कि जब तक हमारी कमिटमेंट 1 ईयर में इंटू 35 पर डे की कंप्लीट नहीं होगी हम आपका पैकेज को एक्सटेंड करेंगे। एक काम कर लें सर, सर अब तो पेमेंट हो चुकी है, अब क्या काम करें, पहले तो वही वैलिड होगा जो आपका मेल है, कुछ करेंगे जो आपको सही लगेगा वही चीज करेंगे ना, सिंपल है। तो हम भी ऐसे थोड़ी ना कि पैसे लेंगे, ठीक है हमने आपको 14 महीने का पैकेज दिया है, आप हमारी 1 महीने सर्विस ले लो, 1 महीने सर्विस ले लो, सर्विस चला रहे हैं हम आपकी 1 महीने, आपको 35 का फ्लो आ रहा है तो आप कंटिन्यू कर लेना, अदरवाइज हम आपका रिफंड कर देंगे। हाँ ये कर लो आप, ठीक है ये कर लो, इस पे बात हो सकती है, उसके अलावा आपको सोल्यूशन तो आप बताओ, क्योंकि मैं बता मैंने बता दिया दूसरा सोल्यूशन, 35 तो होगा नहीं, सॉरी ऊपर नीचे जाता है मंथली वाइज, अब वो रिफंड वाली बात है, आप ओवरऑल लीड फ्लो देख लीजिए, ओवरऑल मतलब 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 मैडम मेरा आपका ऑलरेडी सर मैं आपको बता रही हूँ थ्रेशोल्ड मतलब आएगा कस्टमर्स बोलते हैं कि 35 मिनिमम मुझे चाहिए, आप कुछ मत बोलिएगा, मतलब है कम करने के लिए होती है कि वो फिर आपको अगर 36 भी आ रही होंगी तो वो नहीं है, आप सिंपल बोलिए कि हाँ मैंने ये पैकेज परचेज किया, 35 लीड्स का मत करना, हमें थ्रेशोल्ड नहीं लगवाना है, इसको ओपन रखना है हम लोगों ने, जितना मैक्सिमम और सिटीज का होगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो भी आपने एक म्यूचुअल सिटीज हमारी दी है। मैडम सिंपल सी बात है, मैं आपको बहुत सही समझाता हूँ, क्योंकि आप लीड सेल करते हैं और मैं लीड परचेज करता हूँ, ठीक है, परचेज करने के बाद मुझे उस लीड पर काम करना होता है, ठीक है, आपको सिर्फ सेल करनी होती है, लीड मैं भी सेल कर सकता हूँ, मेरे पास भी डेली की काफी लीड आती है, अगर मेरे पास काफी सारी फेक लीड्स आ जाती है, जैसे पीएचडी कहती है मैं नहीं कराता, मेरे लिए बेकार है, वेस्टेज है, ठीक है, लेकिन उस लीड का क्या होता है, उस लीड को कहाँ कन्वर्जन होना है वो मैटर करता है, और एग्जैक्टली वो कितनी जेन्युइन लीड है। कई बार बच्चे कहते हैं मैंने भरी नहीं, अभी मेरे पास कल मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया कि तूने मेरा नाम तो नहीं डाल दिया, मेरे पास आज डिस्टेंस एजुकेशन की क्वेरीज आ रही थी जबकि मैंने आज तक इंटरनेट चलाया भी नहीं है, उसे इंटरनेट चलाना भी नहीं आता, अच्छा सुलेखा से उसके पास क्वेरी आ रही है, वो डॉक्टर है, एमबीए के लिए कॉल आ रहा है, बट एक चीज और है, अब नॉर्मली हम देखेंगे कि उसने भरी तो होगी, हो सकता है किसी और ने भर दी हो, पर सर वेरिफिकेशन कोड आता है, ऐसा नहीं है कि आपने एक फॉर्म फिल किया अपने मोबाइल से कि आपको इस चीज का रिक्वायरमेंट है, पीजीएचटी का रिक्वायरमेंट है, तो एक वेरिफिकेशन कोड आप ही के सेल पर आएगा 6 डिजिट का, जब तक आप वो एंटर नहीं करोगे वो रीड आगे। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा सकता हूं, क्योंकि कल ही मेरी उससे बात हुई, उसने पता क्या सोचा, मैंने भर दिया, मेरा डिस्टेंस एजुकेशन का स्टूडेंट, मैंने ट्रायल के लिए भर दिया होगा सुलेखा पे, वेरिफिकेशन कोड फिर कैसे, मैं तो वेरिफिकेशन की बात ही नहीं कर रहा, उसके पास कॉल आई कि आपने सुलेखा में क्वेरी करी है और आपको एमबीए करना है, भैया मैं बीडीएस हूँ एमबीए क्यों करूंगी, अब बताओ आपको उसके अलावा क्या सॉल्यूशन लग रहा है सर, वही सिंपल सा सॉल्यूशन लग रहा है, 35 वाला कर दो नहीं तो एक्सटेंड कर दो, देखो 35 वाला तो सर देखो जो कमिटमेंट हुई है ना अब तो वैसे भी चेंज होना वर्थलेस हो जाएगा, क्योंकि जो मेरी पेमेंट क्रेडिट है वो आपको रात को 7:30 बजे की क्रेडिट है, उसके बाद के सारे मेल्स आपके नन नन वर्ड हो जाएंगे, लेकिन वो कितना भी मेरे को वो तो मुझे कल भी मेल कर सकता है, सर आपका बैनर भी हमने कैंसिल कर दिया, मैं क्या मान लूंगा उसके बैनर, मैं आपको बात बता रहा हूँ मैंने क्या कहा, अब मैं आशीष के किसी भी मेल को कंसर्न मानूंगा ही नहीं, किसी भी ऑफिशियल मेल को कंसर्न नहीं मानूंगा, क्योंकि जितनी कमिटमेंट होनी थी वो बिफोर पेमेंट होनी थी, आफ्टर पेमेंट आपको अभी कंपनी स्नैपडील से प्रोडक्ट मंगाओ, आफ्टर पेमेंट आपका एड करो नहीं, हम तो जी रिप्लेस नहीं करेंगे, कंडीशन में पहले था ना जब मैंने पेमेंट करी थी तब कंडीशन थी, आप तब लगा देते हम रिफंड नहीं करेंगे,
अब थोड़ी लगा दोगे, आप परचेज कर रहे हैं, आप मोबाइल परचेज कर रहे हैं, आप परचेज करने के बाद कहने लग जाए नहीं जी मैं नहीं जानता आपको कि मैं नहीं दे सकता कोई वारंटी। आप ये बताओ कि देखो 35 वाली जो कंडीशन है ना, सर वो तो आ चुकी है मेरे पास, उसकी तो मैं बात करने नहीं आया, मैं सिर्फ उस आशीष से बात करने आया हूँ कि 11:30 बजे वो मेल करने का क्या कंसर्न था। उस मेल में मैं भी था, सब होंगे सर, मेरा सर मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एमडी होगा, मेरा कंसर्न ही नहीं है। तो वहां से आगे भैया वो कहीं से कुछ भी करता रहे, कमिटमेंट की लाइन है ना वो, सर वो कमिटमेंट की लाइन 6 घंटे बाद थोड़ी आएगी। आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, आप ऑनलाइन बिजनेस तो 11:30 बजे बिजनेस में ऑनलाइन मिल रहे थे बंदे, जो ऑफिस में मिल रहे थे 11:30 बजे रात को। अब ये तो हो गई सर, अब बताओ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मेरे पास तो मेल है, आप सॉल्यूशन ढूंढो, आप मुझे क्या बेस्ट दे सकते हो। नहीं देखिए, आप जो मुझे मेल करोगे, सुनिए 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 सर, मैं आपके बात क्लियर कर दूं, आप जो मुझे मेल करोगे अगर मैं एक्सेप्ट होता हूं तो आपको यस करूंगा, अदरवाइज मेरे पास मेल है ऑलरेडी। एक्सेप्ट कैसे होगे मैं पूछ रहा हूं, आप एक्सेप्ट कैसे करोगे? कैसे करूंगा मैं उसको, करूंगा आपको रिप्लाई करूंगा सारे उसमें रिप्लाई कॉल करते हुए, यस आई एक्सेप्टेड दिस, अदरवाइज मेरे पास एक एक्सेप्टेशन मेल है ऑलरेडी, उसमें भी सारे लोग सीसी हैं। कंडीशन बताओ क्या है आपके, कंडीशन क्या है जो आप भेजोगे, आप देख लो आपको जो बेस्ट लगता है, अगर मैं पढ़ लूंगा एक बार आप बता दो ना सर, मेरा तो वही बेस्ट है। अगर आप कह रहे हो 35 नहीं हो सकता तो जब तक 35 होगा आप मेरा एक्सटेंड कर देना, उसके बाद फिर मैं रिन्यू करा लूंगा। 35 का मतलब क्या हुआ, सिंपल है कि 33 में ही फेल, 34 में, 36 में ही फेल। चलो मैं आपको 31 से लेकर 35 के बीच में कहीं भी स्टॉप कर दो, और एक दिन अगर कम हो गया सॉफ्टवेयर ही बंद हो गया, दिन की बात ही नहीं कर रहा सर मैं, काउंट महीने में कर रहा हूँ। महीने का हाँ, तो आपको पता है कोई कुछ महीने ऐसे होते हैं फ्लॉप होता है, कुछ ऐसे डबल होता है। हाँ तो क्या हो गया, मैंने जिस महीने में कम पैसे थोड़ी दिए, मैंने तो एवरेज से साल का पैकेज लिया ना, तो आप उस महीने को पूरा भी तो करोगे, यही तो आपका काम है, मेरा काम थोड़ी है। वाह, एक महीने आपका फोन हैंग रहेगा, एक मिनट आपका ये फोन प्रोडक्ट हो गया ना, तो वो भी प्रोडक्ट है सर मेरे लिए। अच्छा सर्विस है, आपका फोन खराब हो गया और सर्विस सेंटर में दे दिया, हाँ एक महीने का कंपनी फोन रख ले, आप क्या करोगे उस कंडीशन में? सर सॉल्यूशन यही है, अगर आप कहते हो कि भाई मेरी ये इससे लीड, मैं 30 से 35 का एवरेज ले सकता हूँ इन बिटवीन, ठीक है, अगर पूरे महीने में ही वो एवरेज नहीं आया तो आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अगर वो आ गया तो बेस्ट है, नहीं आया तो आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे उसे, वो भी बैलेंस लीडों को, बैलेंस लीड यानी अगर आपने मुझे 20 भेजी तो आपकी सिर्फ बाकी की बची हुई 12 या 13 वो भी अगले महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, और ऐसा हो सकता है अगले महीने जो ज्यादा आ गई मैं उसमें काउंट कर लूंगा उसे, जैसे अगले महीने मेरे पास 40 आ गई एक दिन में तो ऑटोमेटिक कट हो जाएगी, ये नहीं कि इस महीने की 40 है जब ये मेरा पैकेज खत्म हो जाएगा तभी मैं काउंट करूंगा। और बताइए, मेरे पास तो एवरेज वो चाहिए ना, मुझे साल का एवरेज चाहिए, मैं आपसे फिर से साल की बात कर रहा हूँ, आप उसमें भी एग्री नहीं कर रहे कि हमारी जुलाई के महीने में फ्लो ज्यादा आएगा तो मैं फिर कुछ बात ही नहीं कर सकता आपसे, फिर तो आप बिल्कुल रेडी ही नहीं हो ना उस चीज को करने के लिए। आपका एक महीने में 1900 का आया, फिर आप तो उसको भी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं हो, तो बहुत दूर है अभी जिसमें आया था। तो सर वेट करो ना, एक साल का है ना अभी, तो हम जनवरी, तो पैसे तो आप एक साल के ले रहे हो ना, अगले जनवरी तक के, तो मैं तो अगले जनवरी तक की बात करूंगा ना। चलो अभी आप बताओ अभी कैसे करना है, बोल तो दिया, आप और कौन सी भाषा में बताऊं सर, हम क्या कर पाएंगे? आप वो मेल एक्सेप्टेड है उसमें आप कर दो, ठीक है हम आपको जब तक वो 35 का मिनिमम आपने कमिटमेंट किया है, अगर वो 35 नहीं होती है तो जब होंगी तब आपको कंप्लीट करेंगे, खत्म, सिंपल है। जो 35 का आपका चल रहा है अगर एक महीने में वो कंप्लीट नहीं हो पाती है तो उसको हम नेक्स्ट मंथ पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट मंथ मैं कह रहा हूं नहीं हो रही, इन केस नहीं हो रही तो आपकी कंपनी जाने ये चीज, मैं जब भी मैं इंटरेस्टेड हूँ अपने पैसे वापस ले लूंगा, सिंपल है, वही बात कर ले। हाँ ठीक है, अब आपने हमको 14 महीने का ऑर्डर दिया है, ठीक है ठीक है, रिव्यू लगा के आपने हमें 60,000 रुपए दिए, हमारी अब की 12 महीने की सर्विस है 13 महीने की, अब आप एक पॉइंट पे रिजेक्ट है और हमारी एक कमी है कि या जो भी है लिमिटेशन है कि हम वो नहीं कर सकते, अब मैं कह रहा हूँ आप ऑर्डर चला लो, एक महीने की 6 महीने का दो, आप मुझे 6 महीने की देखो सर, तो मैं 3 महीने में भी नन अनवाइट कर दूंगा, वो तो मेरे पास पावर होनी चाहिए, फिर आप तो मुझे मैक्सिमम टाइम दो, एक महीने का भाई नन, फिर वही बात हो गई ना, आप क्यों जा रहे हो, मैं तो जा ही नहीं रहा नन अनवाइट में सर, आप क्यों जा रहे हो उसमें, मैं तो रिफंड के केस में नहीं जा रहा हूँ, आप जा रहे हो रिफंड के केस में, मैं जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, जो आपकी लाइन है वो 200% फेल होगा, 36 में फेल हो रहा है, 34 में फेल हो रहा है, मैं कह रहा हूँ क्या 36 में फेल हो रहा है, 36 लीड गई तो भी फेल है, क्यों फेल है, 34 गई तो भी फेल है, 36 में क्यों फेल है, 34 में तो फेल है, 35 का क्यों फेल है, मैंने 30 का लगा तो दिया, 35 बोला आपने, मैंने 30 बोला सर, देखिए 30 आपको अगर ऐसा लगता है, आप अपना पूरा आपने पूरा निकाला, ऐसा तो है नहीं, आपके पास रिकॉर्ड नहीं है पिछले साल का, और ऐसा नहीं है कि आपके एडवर्टीजमेंट के बाद वो रिकॉर्ड डाउन होगा, ऐसी कंपनी तो डाउन होती नहीं है, ठीक है, कंपनी को भी अपना दिमाग है कि भाई मैं किस हिसाब से चीजों को चलाऊंगी, तो जब मेरे पास पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड आया है वो ऑन एवरेज 70 का आया है, 70 का एवरेज है डेली का जो पुराना आया है, अब मैं आधा मांग रहा हूँ 35 का, और वो आप कह रहे हो वो मैं नहीं दे पाऊंगा, तो मैं कौन सी चीज पर विश्वास करूँ आपकी, आप बताओ, 70 से ज्यादा का आया है,
आप कह रहे हो 2100 लीड महीने की एवरेज? हाँ नहीं, 2000 लीड एवरेज आया है? नहीं, अरे सर है, मेरे पास रिकॉर्ड है ना, इसलिए मैं बात मैं 25 का एवरेज लगाता हूँ ना, आप लगाते हो ना 30 का एवरेज? 25 आप क्या बोल रहे हो, 25 बोल रहे हो, 25 का एवरेज? मैं एवरेज अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लगाऊं, आपकी जो कंडीशन आप तो उससे चलोगे ना, मेरे यहाँ हिसाब करने तो आओगे नहीं, भाई मेरे यहाँ हिसाब करने तो आओगे नहीं, तो आप मैक्सिमम लीड भेजो ना, जिस महीने में आएगी मैं आपको कॉल कर दूंगा, आप भिजवा देना, ऐसा तो नहीं लीड आना बंद हो जाती है मैडम, लीड आना नहीं बंद होती है, जो शेयरिंग है। अच्छा ये शेयरिंग कितनी होगी ये नहीं भेजा आपने मुझे, पहले आपकी 1:10 की थी। आप ऐसा करो कि जब मैं आपके पास आया था ना उसकी रिकॉर्डिंग निकाल ही लो। आपने 1:6 बोला है? बिल्कुल बोला जी, 1:6 बोला है, 6 बोला है, अगर 100% का कोई बंदा नहीं है तो उसके पास जाएगी, अदरवाइज 1:6 जाएगी, अगर 100% का बंदा नहीं है तो कोई किसका नहीं है, 100% के स्लॉट में कोई नहीं है, हमारे स्लॉट होते हैं कुछ खाली है अभी, आएगा तो 7 हो जाएंगी, अभी है नहीं। अरे 10 आ गए, 10 नहीं आएंगे, 7 मैक्सिमम, 7 और 6 दो शेयर हो जाएंगे, 6 और 3 या 4 कह लो आप, 10 7 बोला मैडम ने अभी, नहीं 4 है, एक कीवर्ड में 3 एमपीएम 100% का स्लॉट है ना, 100% का स्लॉट जो है मतलब जिसमें मैं था एमपीएम वाले, आप एमपीएम 100% में, आप एमपीएम में सर, वो तो पैकेज आपको लग रहा है कि सिल्वर और एमपीएम बोल दिया सारा वेटेज सर, मुझे भी पता है क्या अंदर का होता है, होता होगा उससे कंसर्न नहीं है मुझे, अपने से कंसर्न है, मैं वहीं पर करते हैं, आप मुझे सिल्वर दो, ब्रॉन्ज दो, लोअर दो, मुझे 35 लीड दे दो, सिल्वर में एमपीएम का पैसा दो ना, डिलीवरी इतनी आनी है और उससे ज्यादा आनी है, क्यों? क्योंकि सिल्वर में बंदे कम होंगे, वो मल्टीपल वो पैरामीटर है, मुझे वो कंसर्न ही नहीं, पैकेज हम लाइव कर रहे हैं, पैकेज हम लाइव कर रहे हैं, एक महीने बाद अगर आपको ना पसंद आए हमारी सर्विस छोड़ो, जैसा आप कह रहे हो हम आपको, आप मुझे बस एक लास्ट मेल कर दो कि 1:6 शेष के रेशियो में रहेगा, बाकी मेरे पास मेल है, मेरे को जब भी फाइट करनी होगी वो मेल लेकर आ जाऊंगा, फाइट करने के मूड से हो गया सर आप, अगर आपकी कंपनी जीरो मेरे को रिस्पांस दे रही होगी तो फिर खत्म हो गई, फिर तो मैं आऊंगा ही, मैं यहाँ क्यों आया, रात के मेल को क्यों, रात को मेल करा उसने मुझे, वो मैसेज कर सकता था सर वो अप्रूव नहीं हो रहा, मैं कल सुबह आपके पास आ रहा हूँ, मैसेज आप मानते नहीं ना, वो मेल पे मानते, अरे समझे नहीं, वो मेल ऑफिशियल कर रहा है, अब उसका ऑफिशियल राइट ही नहीं रहा पेमेंट लेने के बाद, रात को भी अपनी पेमेंट कर, कहाँ ट्रांजेक्शन आईडी दी उसको, सर पेमेंट हो चुका है, बैंक नहीं ट्रांसफर करी, मेरा कंसर्न थोड़ी है, बैंक के मर्चेंट के पास है पैसा, मेरे अकाउंट से क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया, ट्रांजेक्शन आईडी तो होनी चाहिए कि हो गई, अब आप नहीं करते, अरे मैंने उसको दे तो दी, आप नहीं दी ट्रांजेक्शन आईडी, नहीं दी आप गलत बोल रहे हो, आपने ट्रांजेक्शन अगर आईडी होती तो हम ट्रांजेक्शन आईडी से भरते, जो ऑर्डर आपको भरा है ना मैं आपको बता दूंगा, सर देखो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है क्या होती है क्या नहीं होती, उसके सामने उसने डाला है, उसको दिखाया है, आपको फोटो भेजा है, कंफर्मेशन है फंड ट्रांसफर का, मेरे पास अभी भी नहीं है, मेरे पास आप वो भेज दो आप मुझे, मैंने आपको मेल कर दिया है सीआर वाली आईडी पर, कोई सीआर की आईडी है, सीआर करके कोई आईडी आपकी, मेरे तो हेमंत कुमार पी के नाम से जी, मैं हूँ मेल में, मेरे को नहीं पता, एक सीपी की आईडी से आया था, सीपी था सीआर था पता नहीं क्या था वो, ट्रांजेक्शन आईडी भेजिए ICCNW, स्क्रीनशॉट चाहिए जो पेमेंट आपकी हुई है ना फाइनल, उस स्क्रीनशॉट भेज दो या फिर इसका स्क्रीनशॉट थोड़ी आता है, ट्रांजेक्शन आईडी है ही बस, मतलब जो स्टेटमेंट आपके पास आती है वो स्टेटमेंट निकालनी पड़ेगी, वो तो अलग होगी फिर, तो स्टेटमेंट में क्रेडिट दिखाएगा ना वो, तो भेज दो अभी भिजवा देता हूं, वो तो ऑफिस से आएगी, वो भेज दो आप, सबसे बढ़िया यही है आप जो कह रहे हो, क्योंकि हम आपको ज्यादा ही देंगे अभी, सर अच्छी बात है, ज्यादा दूंगा लेकिन वो है कि 35 का जो तो आपकी जेब से थोड़ी जानी है लीड, खत्म होगी कहानी, मैं आप ही के फेवर की बात करूंगा, मेरे लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने आपके 14 महीने की सर्विस दी, मैं आपका 1 महीने पैकेज चलाऊंगा, आपको पसंद ना है मैं पैसा रिफंड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, 14 महीने के बाद मतलब 14 महीने नहीं अगले महीने खत्म है कहानी सर, प्रोटा बेसिस पे, अब मैं आपको ये बताता हूँ बिल्कुल क्लियर बात करके चलता हूँ आपको, आपने मुझे दिए 60,000 रूपए, आपने मुझे दिए 14 महीने के, महीने का हो रहा है 4285 रूपए, ठीक है सर, 14 महीने मैं 4285 रूपए काट के आपके दे दूं या 4285 वापस चाहिए यही बता दो, मैंने आपको 1 महीने सर्विस दूंगा और 1 महीने सर्विस आप डिसाइड करोगे कि भैया मुझे सुलेखा के कंटिन्यू करना है नहीं करना, नहीं करोगे तो हम आपका पैसा रिफंड कर देंगे, आप करोगे तो फिर आपका पैकेज चलता रहेगा, और आप बहुत इसमें जो मैक्सिमम है वो मैं कर पाऊंगा, इवन मैंने आपके लिए बैनर अलग से लिया है जो कि दूसरे पैकेज में आता है, वो अप्रूवल अलग से लिया है,
अरे आप ऑनलाइन की चीजों को कहाँ कंसीडर करते हो? बस ऑनलाइन मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आया है रात वाले मेल पर, वो जितना ऑफिशियल दिखा रहा है ना गलत है सर। पर्सनल जब आप बात कर रहे हो और कोई चीज का अप्रूवल ले रहे हो तो 6 घंटे बाद अप्रूवल नहीं आएगा, पेमेंट के बाद नहीं आएगा कोई अप्रूवल। पेमेंट हुई कहाँ? वो रात को ही नहीं, हम 12 बजे तक ऑर्डर। सर मेरे अकॉर्डिंग हो गई, आपके अकॉर्डिंग हो गई, आपका ट्रांजेक्शन सुबह मिला होगा 7 बजे, कब मिला है? हाँ 11 बजे मिला है। हम 12 बजे तक ऑर्डर भर रहे हैं रात को, क्योंकि कल हमारी अभी 11 बजे मिला मुझे ट्रांजेक्शन, तो इससे कोई सर उस बंदे के लिए पेमेंट हो चुकी है, उसने ऑर्डर फॉर्म भर दिया ना, ओटीपी ले लिया, सारी चीज कंफर्मेशन कर ली। मैं रिवर्स कर रहा हूँ, आप मेरी जगह मैं आपकी जगह, आपने ऑर्डर प्रोसेस कर दिया, आपने बोला भैया पेमेंट हो गई, मैंने मान लिया हो गई, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। सर एक मिनट रुक जाओ, मेरी भी कंपनी चल रही है सेम ऐसे ही, थोड़ी छोटी है बट ऐसे ही चल रही है, पेमेंट आती है अब्रॉड से, ठीक है सर, वो दे देता मुझे चिट। चिट कहाँ है मेरे पास? काहे की चिट? वो मैंने फोटो खींच के भेजा है उसको, व्हाट्सएप किया है ट्रांसफर का उसी टाइम, हैंड ट्वेंट 3 बार फोटो लिया उसने आशीष ने ट्रांसफर के। अच्छा। पेमेंट ट्रांसफर होते हुए सक्सेसफुली उसने दिखाया है। हाँ। उसके आसपास कोड दिया उसने? अरे यार उसका अच्छा। फोटो ऑन द स्पॉट खींचा है यार, बैंक की आईडी पे खींचा है, उसके सामने ट्रांसफर कर रहा है, फोटो खींच रहा है अगला बंदा। अच्छा, अच्छा। बैंक का मैं जान थोड़ी दे दूंगा, बैंक का कोई मालिक थोड़ी हूं मैं, कोई प्रधानमंत्री थोड़ी हूं, रात को फोन करूंगा बैंक के मालिक को मेरे पेमेंट ट्रांसफर कर, ठीक है सर। उसने मुझे पर्ची दे दी, किसकी? वेस्टर्न यूनियन की झंड सी पर्ची, मेरे अकाउंट में तो पेमेंट नहीं आई, मुझे उसे रिसिप्ट उसी टाइम काट के देनी पड़ती है, सर आपने ये पेमेंट हमारे लिए कर दी। अब वो चाहे उससे पैसे वापस भी ले सकता है, लेकिन अगर उसने मेरे लिए पेमेंट करी है, रूल तो ये है मेरे पास आ जाएगी तब मैं रिसिप्ट दूंगा, लेकिन मुझे उसे रिसिप्ट देनी पड़ती है। वो कहता है सर मैंने आपको पैसा दिया, मैं कैसे मानूं आपने पैसा ले लिया, कल को आप भाग गए मेरे पैसे पेमेंट लेके भाग गया कोई? तो हम भी कहते हैं, हमने तो दे दिया। तो सर ये चीज क्या होता है, सुनिए, उसने जो फोटो दी उसके पास पहुंच गई, मेरे लिए वो कंसर्न है जो वहां खड़ा हुआ है, उसको मैंने दिखाया, उसके सामने मैंने लॉगिन आईडी डाला, सब कुछ डाला, मैंने पेमेंट उसके सामने क्रेडिट करी, उसको सारी चीजें देते हुए खत्म हो गई कहानी। अब आप अपने कस्टमर बंदे से पूछो ना, उन्होंने कैसे ट्रांसफर किया था, हमारे पास क्यों नहीं आया? अरे बैंक के प्रोसेस टाइम लगता है, बैंक भी काम करती है। कल था हमारी क्लोजिंग, बड़ा हॉस्पिटल मामला था, इसलिए थोड़ा सा सर उसमें कस्टमर को पिचा थोड़ी दोगे, खत्म। उसने और उसका उसका उसकी सबसे बड़ी गलती। हां जी बोलिए, बोलो। आज मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं मीटिंग में कुछ।